स्टूडेंट टुडे वी स्टार्ट वन टू एक्सरसाइज 10B। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो नंबर दिए गए हैं हमें इन सबको डिवाइड करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 5.8 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें इसे 2 से डिवाइड करने दें। 2 2 4, 5 माइनस 4 1, 8 आएगा। यहाँ पे डेसिमल हम लोग लगा देंगे 8 डिग्री के बाद, क्योंकि 8 डिग्री बाद डेसिमल है। 2 9 18, तो हमारा आंसर होगा 5.8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.9। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15.2 डिवाइडेड बाई 2। तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 7 14, 5 में 4 माइनस होगा 1, 1 डेसिमल लगाएंगे। 2 2 6 12, कैंसिल हो जाएगा। सो और आंसर इज 15.2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7.6। सो नाउ क्वेश्चन नंबर सी डी ई आई जे के एंड एल इज योर होमवर्क। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब हमें इसमें भी डिवाइड करना है 4.5 डिवाइडेड बाय 10। तो कभी भी किसी भी डेसिमल वाले नंबर को अगर 10, 100, 1000, 10,000 से डिवाइड करना होता है तो हम इसे बिना डिवाइड के भी फाइंड कर सकते हैं। तो जिस उस नंबर में जितने ज़ीरो हो उतने डिजिट आगे उस डेसिमल को मूव करा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4.5 है, तो 4 5 हम लोग लिखेंगे और ये डेसिमल इसको वन प्लेस आगे मूव करेंगे, क्योंकि 10 में 1 0 होते हैं। तो डेसिमल वन प्लेस आगे जाएगा, पहले 5 के पहले था, अब 4 के पहले आ जाएगा। तो आंसर इज 0.45। इस तरह सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी हमें करना है। यहाँ पे दिया है 0.92 डिवाइडेड बाय 100। तो 100 में 2 जीरोस हैं, तो हम इस डेसिमल को 2 डिजिट आगे मूव कराएंगे। तो 92 तो पहले से ही है, फिर इसको 2 डिजिट आगे मूव कराने के लिए हम लोग 1 0 1 2 2 डिजिट हो गए, फिर यहाँ पे हम लोग डेसिमल लगा देंगे। ऐसा सेम क्वेश्चन इसमें भी है, 0.3 डिवाइडेड बाई 1000, जहाँ पे 3 जीरोज़ हैं। तो यहाँ पे 3 में लिखेंगे, फिर 1 2 3, और यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। तो इसी तरह सेम क्वेश्चन बी सी ई एफ एच एंड आई इज योर होमवर्क। सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड द फॉलोइंग। इसमें हम लोग को डिवाइड करना है। तो इसमें जैसे कि हम लोग सभी देख सकते हैं कि इसमें 1.2 डिवाइडेड बाय 0.3, तो इसमें दोनों डिजिट में डेसिमल है। तो इस डेसिमल को हम लोग को इस वाले सेकंड डिजिट में से डेसिमल को रिमूव करना होगा, तब हम उसको डिवाइड कर पाएंगे। तो हम लोग इसको पहले ऐसे लिखेंगे, 1.2 डिवाइडेड बाय 0.3 इज इक्वल टू। अब इस डेसिमल को हम लोग को हटाने के लिए इसको जितने डिजिट बाय डेसिमल है उतने से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे सेम अगर 2 डिजिट के बाद डेसिमल होता तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जितने से नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे उतने भी ऊपर से भी करेंगे। तो 1.2 इंटू 10 अपॉन 0.3 इंटू 10। तो जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पीछे की तरफ मूव कर जाएगा, और जब पीछे की तरफ मूव कर जाएगा तो हम लोग का ये ओनली 3 बचेगा। ऐसे सेम इसमें 1.2 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 12 बचेगा, फिर 3 से हम लोग 12 को डिवाइड करेंगे। 3 4 12, सो आवर आंसर इज 1.2 डिवाइडेड बाय 0.3 इज इक्वल टू 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू डिवाइड 4.48 डिवाइडेड बाई 1.28। तो इसमें भी सेम हम लोग को करना पड़ेगा, इसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो इसे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4.48 अपॉन 1.28 इज इक्वल टू 4.48 इंटू 100 अपॉन 1.28 इंटू 100। तो जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के डेसिमल पीछे की तरफ मूव होगा 2 डिजिट, क्योंकि 2 डिजिट जीरोज़ हैं, तो आ जाएगा 1.28
128 अपॉन 448। फिर अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 128 डिवाइडेड बाई 448। तो हम इसको 3 टाइम्स लेके जाएंगे तो आएगा 384। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। फिर हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 128 इज ग्रेटर देन 64, तो हम इससे ये डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग पॉइंट लगाएंगे और एक 0 बढ़ाएंगे। फिर इसे हम लोग 5 टाइम्स लेके जाएंगे तो हम लोग का आएगा 640। सो आवर आंसर इज 4.48 डिवाइडेड बाई 1.28 इज इक्वल टू 3.5। सो नाउ क्वेश्चन नंबर बी डी ई एफ एच के एल इज योर होमवर्क, लेट्स गो। सो नाउ इन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू फिल द ब्लैंक्स। तो अब इसमें 0.82 को हम लोग किस नंबर से डिवाइड करें कि हम लोग का आंसर आए 0.082। तो ऐसे ही सेम हम लोगों ने क्वेश्चन सेकंड में किया था, यहाँ पे हम लोगों ने जितने डिजिट 0 के होते हैं, जितने 1 के बाद जितने 0 होते हैं उतने आगे प्लेस तक डेसिमल को मूव कराते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 0 था तो 1 प्लेस आगे मूव हुआ था, 2 0 था तो 2 प्लेस आगे मूव हुआ था। तो ऐसे ही यहाँ पे हम लोग इस तरह करके फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को दिया गया है 0.82 और यहाँ पे हम लोग को दिया गया है 0.082। तो यहाँ पे 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा है और यहाँ पे 1 2 3 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगा है। तो यहाँ पे 2 डिजिट और यहाँ पे 3 डिजिट, तो 1 प्लेस मूव हुआ है। तो यानी कि इसको 10 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग को आंसर आएगा 0.082। ऐसे ही सेम हम लोग को इसमें भी करना है। इसमें दिया गया है 3.7, इसे हम लोग को डिवाइड करना है कि हम लोग को फाइंड हो 0.037। तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है और यहाँ पे 1 2 3 3 डिजिट के पहले डेसिमल है, यहाँ पे 1 डिजिट के पहले और यहाँ पे 3, तो यानी कि 2 डिजिट के मूव हुआ है आगे डेसिमल। तो इसलिए हम लोग को इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट आगे मूव हो जाएगा डेसिमल। इसी तरह सेम क्वेश्चन सी डी ई एंड एफ इज योर होमवर्क। थैंक यू क्लास।